एक बार की बात है, श्याम नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में श्याम टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। जैसे ही श्याम ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितनी जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। श्याम चकित रह गया, उसने अब कभी भी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार श्याम ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर जाकर रुका। श्याम इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा। हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर जाता रहा, जब तक कि पत्थर श्याम की दृष्टि से गायब नहीं हो गया। श्याम एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने ऐसा करने की उसे उस पत्थर को शक्ति दी थी। उसने उसे फेंका था, उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका वह उतनी दूर तक गया। श्याम को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। श्याम ने खुद से वादा किया, वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करता रहेगा और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेगा। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरे। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आप जरूर एक न एक दिन जरूर सफल होंगे।